अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ वीटेक प्रोजेक्ट्स। तो जी, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़बरदस्त मॉडिफाइड कार लेके आया हूँ, जो कि है होंडा सिविक ई के 1999 मॉडल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डिसेंट मॉडिफाइड की गई है, जो कि ना इतनी ज़्यादा स्टैंड है बल्कि अपनी ओरिजिनल हाइट पर है। तो जी, गाड़ी के आपको मैं फ्रंट लुक बताता चलूँ कि गाड़ी जो है वो अभी रिसेंटली शावर्ड है, और गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा केयर से रखी गई है। और जो है गाड़ी का जो अभी रिसेंटली शावर्ड हुई है, तो उसका जो है पेंट होंडा की अपनी डीलरशिप से कराया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंट भी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी का वर्ल्ड पेंट भी हुआ है। तो जी, गाड़ी की मैं आपको थोड़ी सी लुक के बारे में बता दूँ। इट्स 1999 मॉडल कन्वर्ट टू 2000 RS मॉडल, जो कि बाहर के मुल्क में जापान में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर RS मॉडल के सारे जो हैं वो स्पेक्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। और जो है ये सारे स्पेक्स, ये सारे इसके अंदर आफ्टर मार्केट पार्ट्स जो है इसमें इसका वो आ जाता है बॉडी किट, और इसके अंदर इसके RS लाइट्स जो कि बैक पे इंस्टॉल की गई हैं, जो कि मैं अभी आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाऊँ तो इसके अंदर जो हैं जी रिम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि स्टैगर्ड सेटअप है। और ये है जी लेंसों के डीप डिश अलॉय रिम्स, जो कि गाड़ी के साथ फुल फिटमेंट पे हैं, लेकिन इस टाइम गाड़ी कोई स्टैंड्स नहीं है, तो इस वजह से जो है ये गाड़ी अपनी ओरिजिनल हाइट पर है। तो ये जी लेफ़्ट साइड से है कि इस पे होंडा RS का जो है स्टिकर लगाया गया है, इसको कन्वर्ट किया गया है 1999 मॉडल टू होंडा सिविक ई के RS जापान मॉडल। तो जब गाड़ी की बैक प्रोफाइल पे आ जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गाड़ी के अंदर होंडा RS के जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो इसके अंदर जो हैं बैक लाइट्स जो RS की अपनी लगाई गई हैं, होंडा सिविक RS मॉडल की। और इसके ऊपर जो है RS की नंबर प्लेट भी लगाई गई है, जो कि इसके अपने ओरिजिनल नंबर प्लेट उतारी भी है, इस वजह से RS की नंबर प्लेट फॉर शो इसलिए लगाई गई है। गाड़ी जो है वो स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट हुई हुई है, इसकी डाउन पाइपिंग हुई हुई है एग्जॉस्ट की, जो कि काफ़ी अच्छा डिसेंट साउंड और लाउड भी बना देती है। ये भी देख सकते हैं गाड़ी के पिलर्स, जो कि अपने बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में तो नहीं, अभी अभी रिसेंट शावर्ड हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है गाड़ी की जो है वो पेंट वाला काम बिल्कुल पुडिंगलेस किया गया है, और गाड़ी जो है वो बड़ी अच्छी कंडीशन में इस टाइम है, और गाड़ी के अंदर फुल पल्ट पेंट कराया गया है। तो इसके अंदर जो है होंडा सिविक RS का अपना स्पीडोमीटर इंस्टॉल किया गया है, जो कि गाड़ी की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, क्योंकि ये फुल कन्वर्ट है 1999 मॉडल टू सिविक RS, इसलिए इसका जो है टोटल सारी चीज़ें जो हैं वो RS में कन्वर्ट की गई हैं। RS की चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती हैं अच्छी खासी। तो ये है जी गाड़ी के ट्रंक की स्पेस, जो कि देख सकते हैं कि जो ट्रंक है ये बिल्कुल सही कंडीशन में है, और कहीं से रस्ट नहीं है गाड़ी में, कहीं से भी रस्ट नहीं है, गाड़ी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। तो जी, अब जैसे कि आपने देखा कि हम ट्रंक से अब गाड़ी के इंजन की तरफ आ गए हैं, तो ये जी गाड़ी का इंजन बे चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का जो इंजन बे है वो बहुत ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। इंजन जो है जी इसका अपना स्टॉक है डी सीरीज़ का वीटेक इंजन, जो कि होंडा की अपनी सारी कार्स में वीटेक की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, इसलिए ये गाड़ी का भी इंजन स्टॉक है। तो ये है जी इंजन की तस्वीर, आप देख सकते हैं इंजन बे के लिए इतना ज़्यादा जो है वो क्लीन है, और इंजन बे के अंदर जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का कोई रस्ट नहीं है। इंजन का जो हेड है वो भी बिल्कुल सही कंडीशन में है, ज़रा सी भी कंडीशन इसकी ख़राब नहीं है। इसकी थ्रॉटल बॉडी, इसके जो हैं सारी चीज़ें, वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन वर्किंग कंडीशन। फ्रंट से आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं, और इंजन का जो फ्रेम है वो भी देख लें कि इसमें कहीं से भी रस्ट नहीं है, जो कि ये चीज़ ज़ाहरी सी बात साबित कर देता है कि गाड़ी कहीं से एक्सीडेंटल नहीं है। और ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा वेल कैप्ट, वेल केयर से रखी गई है, इस वजह से गाड़ी के अंदर इस तरह का कोई भी नुक्स नहीं है।
अब इसी के साथ गाड़ी के जो है वो इंजन भी मैंने दिखाया, तो इसी के साथ ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पे भी किसी भी किस्म का कोई रस्ट नहीं है, जैसा कि बिल्कुल न्यू कार्स में होता है बिल्कुल इसी तरह ही है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा। तो जैसे कि हमने गाड़ी के एक्सटीरियर पे बात की, गाड़ी के ट्रंक पे बात की, गाड़ी के इंजन पे बात की, तो अब गाड़ी के आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा आरएस में कन्वर्टेड है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी आरएस में कन्वर्टेड है, न्यू आरएस का आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया, तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, इसलिए इसकी जो गियर नॉब है वो भी ऑटोमेटिक है। तो होंडा सिविक ईके का जो है वो ओरिजिनल डैशबोर्ड बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में, कहीं से भी रंग फेड नहीं है, कहीं से भी ख़राब नहीं है, ना कहीं से डैमेज है। गाड़ी के मैट्स देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन कंडीशन। गाड़ी जो है इसी तरह ही केयर के साथ रखी गई है कि कहीं पे भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जी अब इसी के साथ गाड़ी की जो है वो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त न्यू कोशिश की गई है इनके अंदर, वो भी आरएस मैचिंग के साथ, तो ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं से डैमेज नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और अभी अभी ये सारा काम न्यूली डन कराया गया है बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट कार। तो फ्रंट सीट के साथ साथ बैक सीट्स भी दिखा दूँ कि बैक सीट्स भी हैं वो टोटली अभी अभी कोशिश की गई है उनकी, और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी कंडीशन में है। इसी के साथ गाड़ी के मैं आपको फ्रंट डोर, जैसे इसके साथ बैक डोर भी दिखा दूँ कि बैक डोर का जो गत्ता है कहीं से डैमेज नहीं है, इस पर भी न्यू गत्ते की वो कोशिश की गई है गाड़ी के सीट्स की मैचिंग के साथ से। गाड़ी के जो साइड के पिलर हैं उनमें भी कहीं से भी रस्ट नहीं है, और गाड़ी जो है बिल्कुल साउंडलेस चलती है, बेहतरीन कंडीशन। तो ये थी जी आज की वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।